भी नहीं था, कच्चा था यहाँ पे पहले ही, कंप्लीट नहीं थी यहाँ पे, कच्ची थी यार, कच्ची की वजह से टूटी है। वैसे तो पता नहीं मटेरियल कैसे लगाया कैसे नहीं लगाया, सही नहीं लगा लगता है ना। ना जांच होनी चाहिए इसकी, जांच तो होनी चाहिए। इनफैक्ट अगर ये क्वालिटी का इशू है तो जांच भी होगी और कार्रवाई भी होगी। कार्रवाई होने में, जांच होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो भी हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं, जैसे हम कट्टे लगवा रखे हैं वहाँ पे, सारा सब कुछ कर रखा, सारी व्यवस्था, वो हमारी मशीनरी तुरंत दुरुस्त है, उसमें हम ऐसी नौबत नहीं आने देंगे कि जो पानी है नहर का खेतों में या फिर बस्ती में कहीं पर ही पहुँचे। ये कि अभी काम पूरा ही नहीं हुआ था ना, तो ये पुल बना हुआ है, तो जो ये जो जहाँ से कटा हुआ है कच्चा है और पानी छोड़ दिया गया, तो आज सुबह से जब से प्रेशर पानी का बना हुआ है तो ये कटना शुरू हो गया, और जिस स्पीड से पानी बढ़ रहा है और जो रोकथाम ना हुई तो आने वाले एक डेढ़ घंटे के अंदर ही ढह जाएगा और सारा पानी कलवाड़ी की साइड चला जाएगा। ये तो खैर मैं इंजीनियर नहीं हूँ, पर ये जरूरी है कि भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है, अदरवाइज इतना स्ट्रॉन्ग काम होने के बाद तो कटाव नहीं, मतलब गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया, कुछ ना कुछ है तभी ये टूटा है, अदरवाइज इतनी बड़ी ये टुकड़ा आप देख ही रहे हैं, 20 फुट का टुकड़ा टूट चुका है और ये बैठ चुका है, और पानी नीचे ये सिर्फ 2 फुट की डिस्टेंस है, उसके बाद तो वैसे ही खोखली मिट्टी होती है, वैसे टूट के अपने आप ये पूरी की पूरी नीचे बैठ जाएगी। तो पानी और तेजी से छोड़ा जा रहा है, पानी तेजी से छोड़ने के बाद ही ऐसा हुआ है, अदरवाइज सुबह इतना नहीं था। अब पिछले आधे घंटे के अंदर ये हुआ, ये अब आपका मैसेज हो गया, शायद प्रशासन जाग जाए और लोग आ जाए और ये इसको कुछ इस पर असर हो। तो आसपास के गाँव में बाढ़ का खतरा हो सकता है, नेचुरल सिटी वाली साइड गाँव कलवाड़ी है, बुड्ढा खेड़ा है, तो इधर छपरा खेड़ा ऊंचाई पे है वो तो गाँव, हाँ नीचे की तरह पानी बढ़ सकता है, बना भी पूरा नहीं हुआ है, अभी इसमें पानी छोड़ दिया गया, इसके पास पे सामग्री गलत ढंग से लगाई गई है, पूरी सामग्री सही नहीं है, इसका गलत उपयोग हुआ है, इसमें गांव भी डूब सकते हैं और फसलों का भी नुकसान हो सकता है। अब तो बारिश शुरू ही हुई है, आगे लगता है कि और ज्यादा नुकसान होगा। हाँ जी हाँ जी, आने वाले टाइम में और ज्यादा नुकसान हो सकता है, इसको सरकार से अपील है कि इसको दुरुस्त किया जाए और अच्छी प्रकार से सामग्री लगाई जाए। तो देख के क्या लग रहा है, कहाँ गड़बड़ रहेगी, क्या सामान पूरा नहीं लगाया, अच्छा मटेरियल नहीं लगाया, सामग्री भी अच्छी नहीं लगी हुई है, ठेकेदारों के उससे सामग्री अच्छी नहीं लगी और उसका सही उपयोग किया जाए, तो जांच होनी चाहिए अगर कुछ भी गड़बड़ है। पूरा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए पूरी। कौन सी जगह है ये? ये सुबरी गांव के पास है, कलवाड़ी और सुबरी के बीच कपूड़ा है। अभी नहीं था, कच्चा था यहाँ पे पहले ही, कंप्लीट नहीं थी यहाँ पे, कच्ची थी यार, कच्ची की वजह से टूटी है, वैसे तो पता नहीं मटेरियल कैसे लगाया कैसे नहीं लगाया, सही नहीं लगा लगता है ना। ना जांच होनी चाहिए इसकी, जांच तो होनी चाहिए। इनफैक्ट अगर ये क्वालिटी का इशू है तो जांच भी होगी और कार्रवाई भी होगी। कार्रवाई होने में, जांच होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो भी हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं, जैसे हम कट्टे लगवा रखे हैं वहाँ पे, सारा सब कुछ कर रखा, सारी व्यवस्था, वो हमारी मशीनरी तुरंत दुरुस्त है, उसमें हम ऐसी नौबत नहीं आने देंगे कि जो पानी है नहर का खेतों में या फिर बस्ती में कहीं पर ही पहुँचे। ये कि अभी काम पूरा ही नहीं हुआ था ना, तो ये पुल बना हुआ है, तो जो ये जो जहाँ से कटा हुआ है कच्चा है और पानी छोड़ दिया गया, तो आज सुबह से जब से प्रेशर पानी का बना हुआ है तो ये कटना शुरू हो गया, और जिस स्पीड से पानी बढ़ रहा है और जो रोकथाम ना हुई, तो आने वाले एक डेढ़ घंटे के अंदर ही ढह जाएगा और सारा पानी कलवाड़ी की साइड चला जाएगा। ये तो खैर मैं इंजीनियर नहीं हूँ, पर ये जरूरी है कि भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है, अदरवाइज इतना स्ट्रॉन्ग काम होने के बाद तो कटाव नहीं, मतलब गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया, कुछ ना कुछ है तभी ये टूटा है, अदरवाइज इतनी बड़ी ये टुकड़ा आप देख ही रहे हैं, 20 फुट का टुकड़ा टूट चुका है और ये बैठ चुका है, और पानी नीचे ये सिर्फ 2 फुट की डिस्टेंस है, उसके बाद तो वैसे ही खोखली मिट्टी होती है, वैसे टूट के अपने आप ये पूरी की पूरी नीचे बैठ जाएगी। तो पानी और तेजी से छोड़ा जा रहा है, पानी तेजी से छोड़ने के बाद ही ऐसा हुआ है, अदरवाइज सुबह इतना नहीं था। अब पिछले आधे घंटे के अंदर ये हुआ, ये अब आपका मैसेज हो गया, शायद प्रशासन जाग जाए और लोग आ जाए और ये इसको कुछ इस पर असर। तो आसपास के गाँव में बाढ़ का खतरा हो सकता है, नेचुरल सिटी वाली साइड गाँव कलवाड़ी है, बुड्ढा खेड़ा है, तो इधर छपरा खेड़ा ऊंचाई पे है वो तो गाँव, हाँ नीचे की तरह पानी बढ़ सकता है। बना भी पूरा नहीं हुआ है, अभी इसमें पानी छोड़ दिया गया, इसके पास पे सामग्री गलत ढंग से लगाई गई है, पूरी सामग्री सही नहीं है, इसका गलत उपयोग हुआ है, इसमें गांव भी डूब सकते हैं और फसलों का भी नुकसान हो सकता है। अब तो बारिश शुरू ही हुई है, आगे लगता है कि और ज्यादा नुकसान होगा। हाँ जी हाँ जी, आने वाले टाइम में और ज्यादा नुकसान हो सकता है, इसको सरकार से अपील है कि इसको दुरुस्त किया जाए और अच्छी प्रकार से सामग्री लगाई जाए। तो देख के क्या लग रहा है, कहाँ गड़बड़ रहेगी, क्या सामान पूरा नहीं लगाया, अच्छा मटेरियल नहीं लगाया, सामग्री भी अच्छी नहीं लगी हुई है, ठेकेदारों के उससे सामग्री अच्छी नहीं लगी और उसका सही उपयोग किया जाए। तो जांच होनी चाहिए अगर कुछ भी गड़बड़ है। हाँ, पूरा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए पूरी। कौन सी जगह है ये? ये सुबरी गांव के पास है, कलवाड़ी और सुबरी के बीच कपूड़ा है।